ब्लॉग जानवी की शर्मा ऑफिशियल, कैसे हैं आप सब? आई हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस नंदरानी जा चुकी है, बैठा दिया था ट्रेन वेन में, जा चुकी है, पहुँच गई है, फोन आया था। और अब हम लोग लग गए उनके जाने के बाद घर की साफ़ सफाई में। बहुत बुरा हाल हो रहा है घर का, देख सकते हो आप। ये वाला गद्दा ना, ये इसके साइज़ का लाना है, ये छोटा है गद्दा, मतलब छोटा क्या, ये अंदर बैठ का गद्दा था तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया फिलहाल टेम्प्रली, तो इसके साइज़ बैठ के साइज़ का गद्दा बनवाना है। और यहाँ सब कुशन वुशन के कवर वगैरह सब कोने में डाल दिए। इसे इग्नोर करना, ये रो रहा है अभी, इसको नाश्ता रखा है, खा नहीं रहा है। शर्मा जी उधर धो रहे थे कपड़े, ये रहे और इधर देख सकते हो आप, ये डैडी वैडी सब उतार के रखे हैं धोने के लिए, क्योंकि कुशन कवर उतारे हुए हैं। अब लगेंगे साफ सफाई में, अंदर के मुझे गद्दे वद्दे भी बिछाने हैं करके। इधर भी लगेंगे हम साफ सफाई में। ये बेडशीट भी है धोने में, लग चुका है बैड। बताना बेड शीट कैसी लग रही है, क्या धुल रहे हैं कपड़े, मशीन लगाई हुई है शर्मा जी ने, सब व्यस्त अपने अपने कामों में। देखो मशीन लगा रखी है और मैं इधर अंदर का निपटा रही हूँ। एक ये नारायण नारायण ओगी को परेशान करता रहता है, तो मैंने कवर वगैरह डाल दिए हैं तकिया पे, ये भी ले आया ओगी को, गाना पहले झाड़ू लगाने का मुझे ढंग से, फिर खेलना उसके साथ। ठीक है काम को निपट चुका है, बस रह गए हैं कपड़े। और इधर शर्मा जी ने बना दी, देख सो गया, इधर शर्मा जी ने बना दी सब्जी, देख सकते हो। और इधर वो धो रहे पीछे कपड़े सारे, क्योंकि बेडशीट वगैरह अभी इसमें ओगी सो रहा है,
मैं बेडशीट वगैरह भी धुलने में सारी, फिर बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी। सोफे के कवर वगैरह कुशन वगैरह धुल गए हैं, सूख रहे हैं, फिर इनको डालेंगे, फिर काम खत्म हमारा, फिर करेंगे रेस्ट। और मैं जा रही हूँ ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, एक थक गए बेचारे, माइंड मत करना, बिना टी शर्ट के घर पर ऐसे ही रहते हैं क्योंकि कपड़े पहन के इनसे काम नहीं होता। गर्मी तो कह रही गर्मी बहुत हो रही, नहा के भी ऐसी लग रहा है भैया कि गर्मी है। हाँ अब बड़ा हो गया, छोटा नहीं है, पढ़ाई कर लो। चलो अच्छा, तो गाइस यहाँ बालकनी में धुल रहा है, कारपेट जो बिछा हुआ था बहुत गंदा हो गया था, काफ़ी टाइम से बिछा था, धो रहे शर्मा जी। मैं अंदर से ब्लॉग बना रही हूँ जाली के अंदर से, ओए रुक जा भी, रुक जा गाइस, ये टैडी भी धुल चुके हैं दोनों, और देखो शर्मा जी ने धोए कितने साफ सुथरे चमक रहे हैं, है ना। तुम तो चुप रहो, सोने दो उसको, परेशान मत करो। इधर ये भी धुल चुका है कारपेट, देखो कितनी मिट्टी निकली है पानी में, इतना गंदा हो रहा था, कपड़े भी धुल गए ऊपर। सारा काम निपट चुका है और इधर मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय, वो उधर नाश्ता कर रहे हैं, वो बैठे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, इधर चाय बन रही है, इधर बेडशीट वगैरह अभी बिछा दी है, सिद्धू लेटा हुआ है, देख सकते हो किचन वगैरह सब क्लीन है, देखो बाकी कारपेट वगैरह सब धुल गए हैं। नाश्ता वास्ता करके फिर ये जाएंगे सब्जी वगैरह लेने, तो देखते हैं जो होता है डेली रूटीन का दिखाती हूँ मैं आपको। चाय शाय बन रही है, तो हे गाइस गुड इवनिंग, मैं सो गई थी, मुझे आ गई थी नींद भयंकर क्योंकि जुकाम से ना आके भारी भारी हो रही है, तो नींद आ गई थी और अब मैं उठ गई सो के, तो 4:30 बजे उठ गई थी सो के, बोरा टाइप से 5। और आज गाइस मैं आपको बताना भूल गई थी, आज ही हमारा रोका सेरेमनी, तो आज के दिन हमारा रोका हुआ था, तो मतलब सो के उठी थी, पापा ने कहा आज तुम्हारा रोका है तो क्या स्पेशल खाओगे, क्या बनाओ, तो आलू गोभी की सब्जी उन्होंने बना दी थी, तो पापा बना रहे हैं कोफ्ते, ये देखो इधर बन गई है आलू गोभी की सब्जी, बनाएंगे चावल और रोटी, आटा गूंदा हुआ है, ये पितासरी। तो गाइस यहाँ बन चुकी है चटपटी ग्रेवी, मसाला पीसा था, चिकन नहीं बन रहा तो और मरवा दे चिकन, कोफ्ते बन रहे बेटा कोफ्ते, ये अरे ब्लॉग शूट कर रही ना, करा चिकन बन रहा। तो मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, खाने का टाइम हो गया, 8 बजे तो खा लेते हैं, टाइम हो रहा है 7:30। अब टाइम हुआ हमारा खाने का, तो अब लग रहा है खाना, खांसी जुकाम से हालत खराब हो जाती है। आप खाते हैं आम मैंगो, पापा ने कोफ्ते बढ़िया बनाए लग रहा है देखने से, जीने के लिए
पापा ने और ससुर जी ने खाना खा लिया है। अब इनको और मेरा खाना लगना बाकी है तो हम दोनों खाना खाएंगे। इनका ऑर्डर आया है आम काटो तो हम आम लाते हैं। नांगल से हम लोग आम लेके आए थे पर वहां से टेस्टी आम हमें यहीं के लगे हरिद्वार के। ये देखो एकदम तब तब मस्त आम है। तो गाइस आप भी आ जाओ खाना खा लो यमी यमी टेस्टी टेस्टी। कोफ्ते हैं, आम है, चलो गाइस खाना खाना आप लोग भी आ जाओ खाना खाना खा लो। हम भी खाना खा रहे हैं और मीठे मीठे आम मैं मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ आम। तो मैं खाना खाते हुए शर्मा जी को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो खाना खाते हुए प्राइवेसी रखते हैं, ना किसी के सामने खाना खाते हैं और ना खाना पसंद करते हैं। वो अपने पापा के कहते पापा वगैरह को खिला लो, मैं बाद में खाऊंगा आराम से। तो वो खाना खाने बैठे हैं। ठीक है तो मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। सो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।